और इस पर बड़ी खबर आ रही है। रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी की संपत्ति को कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दे दिया है। पत्नी को गुजारा खर्चा नहीं देने पर फैमिली कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। मोहिबुल्ला नदवी के खिलाफ दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि उनको अपनी पत्नी और बेटे के भरण पोषण के लिए 10,000 रुपए हर महीने देने थे, लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है। तो हम आपकी बात करा रहे हैं मोहिबुल्ला नदवी की, जो लगातार पत्नी को गुजारा भत्ता देने की कोर्ट बात कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने इस बात को नहीं माना तो अब सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी की संपत्ति को कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दे दिया है। पत्नी को गुजारा खर्चा ना देने पर फैमिली कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। मोहिबुल्ला नदवी के खिलाफ दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि उनको उनकी पत्नी को और बेटे को भरण पोषण के लिए 10,000 रुपए देने थे हर महीने, लेकिन जब कोर्ट का आदेश उनकी तरफ से नहीं माना गया तो अब कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है। बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, मोहिबुल्ला नदवी की समस्या बढ़ गई, मामला 10,000 का था लेकिन अब उससे ज्यादा चूना इनको लगा है, क्योंकि अब तो भारी भरकर संपत्ति इनकी कुर्क होगी। क्या कीमत होगी इनकी संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने दिया है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मोहिबुल्ला नदवी सपा सांसद जो है रामपुर के, उनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और अखिलेश यादव के काफी करीबी सपा सांसद है ये, कि इनकी पत्नी आगरा में इनकी पत्नी है, उन्होंने एक बात दायर कराया था जिसमें उनको भरण पोषण, जो सपा सांसद है उनको 10,000 रुपए महीना भरण पोषण देना था, लेकिन उन्होंने उसका जो था गुजारा भत्ता जो था नहीं दिया था, जिसके बाद आगरा के परिवार कोर्ट ने इनको अब नोटिस आदेश रामपुर पुलिस को नोटिस जारी किया है कि जो सपा सांसद है इनकी दिल्ली में जो संपत्ति है उस संपत्ति को कुर्क किया जाए, और कुर्क करने के बाद 20 दिन के अंदर अगर वो 5,30,000 रुपए जो गुजारा भत्ता देना है वो क्या कहते हैं अगर नहीं जमा करते हैं तो उसके बाद उनकी कुर्क की गई संपत्ति का उतना हिस्सा बेच दिया जाए, और उतना हिस्सा बेचने के बाद 5,30,000 रुपए उसमें जो है जमा किए जाए। तो ये जो 5,30,000 रुपए हैं, क्या अब तक जब से कोर्ट ने आदेश दिया तब से लेकर अब तक है, और क्या इनको जो 10,000 रुपए का जो एक गुजारा भत्ता अपनी पत्नी और बेटे को देना है वो ताउम्र देना है? देखिए, जो अभी कोर्ट का आदेश है वो फिलहाल यही है कि 10,000 रुपए महीना इनको गुजारा भत्ता देना था, लेकिन इन्होंने तक जब तक नहीं किया गया तो कोर्ट ने ये माना कि जो कोर्ट ने इनको आदेश किया था उस आदेश की अवहेलना की गई है, तो उसी अवहेलना को लेकर के कोर्ट ने अब रामपुर पुलिस को वारंट जारी किया है कि वो इनकी जो दिल्ली की संपत्ति है उस संपत्ति को कुर्क करे, और कुर्क करने के बाद 20 दिन तक जो है 5,30,000 रुपए जो है वो इनकी पत्नी को दिए जाए, अगर वो इनकी पत्नी को ये पैसे नहीं मिलती है तो उनकी संपत्ति में से 5,30,000 रुपए का जो हिस्सा है वो हिस्सा बेच दिया जाए और वो बेच करके जो है वो जमा किया जाए। ठीक है, ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और शामली में चल रही एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर धमाका हो गया, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। शामली जिले के कांधला देहात की पटाखा फैक्ट्री एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठी। धमाके के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दूर दूर तक आग की लपटें फैली हुई हैं, तो वहीं काला धुआं दिखाई दे रहा है। मौके पर भीड़ जमा है, हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। धमाकों की गूंज इलाके में काफी दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के गांव के लोग घटना स्थल पर पहुंचने लगे। चश्मदीदों के मुताबिक फैक्ट्री में कई धमाके हुए, जिसके बाद तो हड़कंप मच गया। दिवाली बेहद नजदीक है, इसकी वजह से जगह जगह पटाखा फैक्ट्रियों में तेजी से काम चल रहा है। भारी भरकम स्टॉक फैक्ट्री में रखा हुआ था। सुबह करीब 10 बजे के आसपास मजदूर रोज की तरह काम कर रहे थे, तभी वहां पर रखे पटाखों से अचानक चिंगारी निकली और उसके बाद तेज धमाका हुआ। वहां पर मौजूद मजदूरों ने तेजी दिखाई और भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई। धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। कांधला के रायजादा गान मोहल्ले के रहने वाले शाहनवाज की पटाखा फैक्ट्री है जहां ये हादसा हुआ। धमाके के बाद आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। शामली से न्यूज 18 के लिए शाहनवाज की रिपोर्ट।
और हम आपको बता दें किस तरह से यह धमाका हुआ, आपने देखा कि किस तरह से जगह जगह पटाखे बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर ही यह धमाका हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं बागपत की, जहां पर पुलिस ने 3 ऐसे शूटर्स को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मर्डर की सुपारी देने वाले शख्स की ही गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शख्स ने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या के लिए 3 शूटरों को हायर किया था और उसे मारने के लिए एक कार से तीनों शूटर को शामली लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि गेम पलट गया। जिसने किया हायर उसी पर फायर, जिसने दी सुपारी उसी को गोली मारी। पहले दबाया गला, फिर मार दी गोली। प्रेमिका के पति की हत्या की प्लानिंग फेल। ये तस्वीर इमरान नाम के शख्स की है जिसे उसी के द्वारा हायर किए गए शूटर्स ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इमरान नाम के इस शख्स ने 3 शूटर भाड़े पर लेकर अपनी प्रेमिका की पति की हत्या की प्लानिंग की थी और 2.5 लाख में शूटर हायर किया था। तय प्लानिंग के अनुसार हत्या करने के लिए शूटर और इमरान शामली पहुंचे थे, लेकिन इमरान ने तीनों शूटर को सुपारी के पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद शूटर ने सुपारी देने वाले इमरान का गला दबाया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी और शव को शामली के गढ़ी पुख्ता के जंगलों में फेंक दिया। सूचना दी कि उसका भाई इमरान 16 तारीख की शाम से लापता है, खोजने पे नहीं मिल रहा है। इस संबंध में थाना बड़ौद पर अभियोग पंजीकृत कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई थी। दिनांक 18/10/2024 की इमरान की डेड बॉडी थाना गढ़ी पुख्ता जनपद शामली में मिली थी। इस घटना का आज दिनांक 22/2024 को थाना बड़ौद पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बुढ़ेरा थाना बिनोली के रहने वाले। घटना बीते 18 तारीख की है जब इमरान नाम का युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। अगले दिन इमरान का शव शामली के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र में पड़ा हुआ मिला था। परिजनों ने पुलिस से हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू करते हुए आरोपी 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ।